चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्यू टू अ स्मॉल मैग्नेट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एक्स इन द एंड ऑन पोजीशन, ठीक है, इज 9 गॉस, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स बाई टू ऑन ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इंड ऑन पोजिशन का मतलब क्या होता है, यहां ध्यान रखना, इंड ऑन पोजिशन का मतलब एक्सियल लाइन पे, ठीक है, और ब्रॉड साइड पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब है इक्वेटोरियल। तो आपको इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मैंने एक छोटा सा मैग्नेट बना दिया, ठीक है, पोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है, लेंथ एल कंसिडर कर लेते हैं छोटा सा, और एक्सियल लाइन पे पॉइंट है, ये एक्स है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, एक्स पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एक्स यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, ये यहाँ से सेंटर से, ठीक है, और ये लिख देंगे आप 2m अपॉन एक्स क्यूब होगा ये, ठीक है, इसको x ना कहके इसको a पॉइंट कह देते हैं, x नहीं कहते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि x तो डिस्टेंस है ना, तो इसको a कह दिया हमने, और इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट है b, ये x बाई टू डिस्टेंस पे है, यहाँ से x बाई टू डिस्टेंस पे है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा b पॉइंट पे। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन एक्स बाई टू का होल क्यूब, करेक्ट ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 9 गॉस है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 9 गॉस। तो अगर मैं कहूँ बी ए, इसको ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 9 गॉस, और ये वैल्यू इक्वल है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब के। अब जरा ए पॉइंट बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स बाई टू का होल क्यूब है, तो एक्स क्यूब बाई 8 हो जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, और इसको अगर 4 इंटू म्यू नॉट 2 अंदर भेज दें, 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब, तो ये वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, 9 गॉस है, तो 4 इंटू 9 36 हो जाएगा ना। देखो सही लिख रहे हैं ना, देख लो एक बार, चेक कर लो कैलकुलेशन सही है, तो सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया। तो एक्स बाई टू डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, 36 गॉस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।